बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसन कि रौरे मन जानेला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नवा नवा और बेस बेस जानकारी लेके आवेला, आज भी हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मगर किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। राज्य में समय समय पर चलाए जाते हैं बीजोपचार कार्यक्रम। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीज उपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। राज्य के कृषक इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। आलू की फसल में ठंड और कुहासे के कारण अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। ये अंगमारी रोग दो प्रकार के होते हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। अगेती अंगमारी में पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं और पिछेती अंगमारी की स्थिति में पत्तियों के किनारे किनारे धब्बे बनते हैं, जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस रोग के असर से फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। रीडोमिल दवा के छिड़काव से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होती है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको बताएंगे कि आज के मंडी में क्या कुछ है खास। दर्शकों, आज हम लेने जा रहे हैं दाल को, जिसमें दाल में सबसे पहले हम लेंगे मूंग दाल को। मूंग दाल का न्यूनतम दर है 9,000 रुपये और अधिकतम है 10,000 रुपये। दूसरे में जाएंगे चना दाल। चना दाल का न्यूनतम दर है 6,500 रुपये और अधिकतम दर है 7,000 रुपये। फिर जाएंगे हम मसूर दाल में। मसूर दाल का भी न्यूनतम दर है 6,500 रुपये और अधिकतम दर है 7,000 रुपये। आखिरी में हम देखेंगे उड़द दाल को, जिसका न्यूनतम दर है 9,500 रुपये और अधिकतम दर है 10,000 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस यही खास था। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना बीमारी पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमान तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमान के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के
जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो विराम के बाद रोरमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है बहुत सुंदर है। वो जानकारी है कि अरहर फसल कर देखभाल, ये तो भाई जानना बहुत जरूरी है हर किसान भाई बहन मन के कि अरहर फसल के देखभाल कैसे करल जाएगा, उकर में कीट प्रबंधन और जैसे पानी पटाना बहुत किस्म का है नहीं उकर में। तो चलो इकर अगर जानकारी रोरमन के चाहिए तो फीचर कर माध्यम से रोरमन के इकर जानकारी के दिवा थी। अरहर की दाल में तकरीबन 21-22% तक का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका बाजारी भाव काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक विधि से अरहर की खेती की जाए तो कमाई अच्छी की जा सकती है। जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी व दोमट मिट्टी वाली भूमि को इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली ढालू जगह को सर्वोत्तम माना जाता है। आज हम आए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पी भावना जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे अरहर फसलों की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैडम आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। मैडम हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहते हैं कि अरहर फसलों की देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करें। अभी अरहर हमारा झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम देखेंगे पूरा भारत में, भारत तो फर्स्ट में है प्रोडक्शन एंड एरिया में, और अरहर का प्रोडक्शन एंड एरिया में झारखंड लगभग 6 नंबर में है। तो अभी हम लोग समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण फसल है, और इसका जो प्रोटीन भी इतना 20% तक मिलता है, तो न्यूट्रिशन के लिए भी ये अच्छा फसल है। और आपका जो मिट्टी का जो हेल्थ कंडीशन जो मेंटेन करना है, क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप है, इसमें बैक्टीरिया जो है नोड्यूल फिक्सेशन से नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, तो सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सबसे बढ़िया क्रॉप है। और जो रेनी सीजन में भी जो आपका जो पानी आना, बरसाती मौसम में जो पानी का जो ब्रेक आ रहा है बीच बीच में, ये सब ये सह जाता है। तो आप बिना सिंचाई इसमें आराम से आप अच्छा से उपज इसमें निकाल सकते हैं। तो अभी जो अभी देखते हैं तो हम लोग लगभग जून जुलाई माह से हम लोग रुपाई इसका हो गया है, मैंने सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग जो भी किए होंगे और तो अभी इस स्टेज में अगर देखेंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन का किस्म अगर देखेंगे तो ये फ्लावरिंग स्टेज में होगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला देखेंगे तो ब्रांचिंग थोड़ा ब्रांचिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होके फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा अभी ये अक्टूबर मास तक। इसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन वाला में नवंबर के आसपास इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। अरहर की अच्छी फसल के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों का चयन बेहद ज़रूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पारस, पूसा 992, T21 और UPAS 122 समेत कई किस्में हैं जिसका चयन कर अरहर की खेती की जा सकती है। के अनुसार हमको इसको हम लोग जैसे जो हम लोग प्लान करते हैं ना कौन सा क्रॉप किसके बाद लेना है, जो फसल चक्र है, तो अगर हम लोग इसके बाद और कुछ क्रॉप लगाना चाह रहे हैं रबी का क्रॉप, तो हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन का किस्म लेना है। लगभग 120 दिन का होता है, 4 महीना में इसका ख़त्म हो जाता है, माने अक्टूबर दुर्गा पूजा के आसपास इसका कटिंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं उसके बाद। और लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आपको फरवरी मार्च तक चलेगा, तो एक ही फसल इसमें ले सकते हैं जो हमारा फसल चक्र में। उसके बाद समर क्रॉप ले सकते हैं,
तो आपको प्लान करना होगा, उसके अनुसार आपका इसमें किस्म को चुनना पड़ता है। ड्यूरेशन के अनुसार आपका कौन सा क्रॉप नेक्स्ट आ रहा है उसके अनुसार आपको किस्म को चुनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा किसान भाइयों और दीदी लोग इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अगला फसल रबी का फसल डालना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन किस्म तो 120 दिन में ख़त्म होता है। जैसे पूसा अरहर का एक वेराइटी है वो 120 दिन में ख़त्म होता है, उसको अगर लगाए हैं तो रबी फसल ले सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में बहार एक है 280 दिन तक इसका जाता है ड्यूरेशन, और मीडियम ड्यूरेशन है लाइक आशा एक है, आशा बहुत पॉपुलर है इधर झारखंड में। फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज़ हुआ है बिरसा अरहर एक करके है, ये भी मीडियम ड्यूरेशन में आता है। ये दोनों लगभग 200 दिन में ये तैयार होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका लगभग 2 टन प्रति हेक्टर इसका आपका यील्ड मिलेगा। और हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं क्योंकि उकटा रोग इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इस सीज़न में, जो पानी का निकाव जल निकास जो अच्छा नहीं होता है, इसके चलते फ्यूजेरियम विल्ट जो होता है ये बहुत नुकसान करता है, क्योंकि इसमें आपका कोई उपाय नहीं है नियंत्रण करने के लिए, केमिकल मेजर से भी इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको प्रतिरोधी किस्म जो होता है उसको चुनना पड़ेगा। जैसे आपका उकटा रोग का प्रॉब्लम है तो प्रतिरोधी किस्म जैसे हो गया आशा हो गया, बहार हो गया, बिरसा अरहर एक हो गया, नरेंद्र अरहर एक हो गया, ये सब आपको लेना चाहिए। बीज उपचार के लिए सर्वप्रथम 1 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा साथ ही 1 ग्राम कार्बाक्सिन या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। बोने से पहले हर बीज को अरहर की विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। हमारा जो फल मक्की जो होता है ये जैसे आपका पॉड का जो फॉर्मेशन स्टेज है उधर से शुरू होता है। इसका जो ग्रब होता है माने इसका लार्वा जो होता है ये दाना जो दाना बन रहा है उसको खा लेता है, और जो फल मक्की जो बनता है मक्की जो है इसका रस जो है चूस लेता है। तो ये दोनों स्टेज में इसका डैमेज होता है। तो इसके लिए आपको 50% फ्लावरिंग, जैसे आपका फ्लावरिंग शुरू हो जाता है आप खेत में जब देखेंगे तब से ही आपको स्प्रेइंग करना शुरू करना होगा। जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपको स्प्रे करना है हर 10 दिन में, ताकि ये रिपल करता है जो भी कीट होता है ये इसको रिपल करता है। और इसके साथ हम लोग फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं इसके लिए। फिर आपका जो अगर ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है जो केमिकल कंट्रोल में अगर जा रहे हैं तो इंडोक्सोकॉर्ब एक है ये 15 दिन का अंतर में एक बार स्प्रे करना चाहिए। जब तक आपका पॉड पूरा फॉर्म ना हो तब तक इसका स्प्रे कर सकते हैं हर 15 दिन में। और आपको ज़्यादा लग रहा है आपका खेत में जो थ्रेशोल्ड लेवल से बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपको स्पेनोसार्ड क्विना जो प्रोफेनोफॉस क्विनालफॉस ये सब आप दवा छिड़कारी कर सकते हैं। और इसके साथ रोग में जो मैंने बोला है उकटा रोग जो है बहुत परेशान करता है, क्योंकि जल निकास के लिए हम लोग पहले ही प्लान करना है, जो हम लोग रिज एंड फरो मेथड में जो मेड़ बना के हम लोग को अरहर का रोपाई करना है, ताकि हमारा जल विकास अच्छा से होगा, हमारा जो रूट जोन है जड़ का जोन है उसमें एरेशन अच्छा होता है और उकटा रोग का कम होता है। तो उकटा रोग को कम करने के लिए और एक तरीका है जोवार का जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो उकटा रोग का जो फैलना जो है कम होता है, जोवार वो फैलने के नहीं देता है। बीच बीच में रोग के बीच बीच में आपको जोवार लगाना है, जैसे 2 रोग का अरहर लगाएंगे 1 रोग का जोवार, ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन ये जानकारी कैसे लग लग एखन रोरेमन अरहर कर फसल कर तैयारी के बारे में जान ली। अब चलू रौरेम के दूसर जानकारी देवा थी, वो भी बहुत सुंदर है। वो जानकारी है सरसों और राय कर सामयिक देखभाल कर, ये तो बहुत जरूरी है। सरसों राय जो है ऊपर से तेल सरसों तेल निकले ला है ना, और सरसों तेल से बेस बेस खाना मिले स्वाद स्वाद खाना मिले ला है ना, तो सरसों राय कर सामयिक देखभाल कर बारे में तो चलू एक जानकारी हमारे मन सीधे चला थी हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से दिवा थी। आज हम आ पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांटू, और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बी के झा। आइए इनसे हम जानते हैं सरसों और राय की खेत की तैयारी और बीजों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ किसान भाइयों जोहार। जैसा कि अभी चर्चा हो रही है तोरी या राई जो सरसों कह रहे हैं, तो उसकी खेती झारखंड के प्रदेश में चूँकि यह एक तिलहनी फसल है तो इसलिए हमारे जैसी धान की कटाई होती है तो उसके बाद तिलहनी फसल में जो हमारी सरसों है एक प्रमुख फसल है, और इसकी खेती से किसान भाई आप आमदनी भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। तो खास करके बात यह उठती है कि जैसे आप इसकी खेत का चुनाव कैसा करें, खेत की तैयारी कैसे करें, फसलों का बीजों किस्मों का कैसे चुनाव करें, तो यह सब चीज़ें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है खास करके तिलहनी फसलों में।
तो इसमें खास करके जैसे हम तलहनी फसलों की बात करें तो तलहनी फसलों में जैसे मैंने आपको बताया तूरी या राई जो है, तो इसका निश्चित तौर पे इसकी उन्नत प्रभेद जो है उसको आपका चयन करना चाहिए। जैसे उन्नत प्रभेद में अगर हम तूरी की बात करें तो तूरी में जैसे कि इसकी T9 है या पंचाली है, तो ये एक अच्छी किस्में हैं जो झारखंड प्रदेश के लिए संशोधित की गई है, और यह करीब जो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगा देना चाहिए। और जैसे हम राई की बात कर रहे हैं सरसों, तो राई में क्या होता है खास करके इसमें जैसे हमारी उन्नत किस्में हैं जैसे शिवानी है या हमारी जो है ये क्रांति है या हमारा वरदान है, तो पूसा बोल्ड है, तो ये सभी उन्नत किस्में हैं जिसको कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा देनी चाहिए। और ख़ास करके जब इसके हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में आप जैसे ही आपकी धान की कटाई होती है तो धान की कटाई के बाद आप उसमें जो है आप जुताई करें 2 से 3 जुताई करके, और उसके बाद जैसे कि इसमें आप बुआई के लिए जाते हैं तो इसमें जैसे कि आपका ये जो बीज जो आपने संशोधित बीज बताई, तो इसमें क्या है कि आप उसका चयन करें और खेत की तैयारी में जैसे 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर जो है फार्मयार्ड मेन्यूर जो सरी भी गोबरी खाद कहते हैं वो मिलाएं, और इसमें उसी इसमें खेत की तैयारी जब आप अंतिम करते हैं तो इसमें आपको जो रासायनिक खादें होती हैं खास करके जब आप तोरी का कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपकी जो है 50 किलो नाइट्रोजन और 25 किलो फॉस्फोरस और 25 किलो पोटाश, तो उसमें आधी 2/3 मात्रा जो है नाइट्रोजन की वो खेत के समय, और खास करके इसी फसलों में क्या होती है कि आपको सल्फर की भी मात्रा इसमें डालनी जरूरी होती है। जो आप खेत की अंतिम तैयारी करते हैं तो इसमें जैसे जिंक सल्फेट जो है वो आप कम से कम 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मिला दें। वहीं आप अगर इसकी राई की खेती कर रहे हैं तो इसमें इसकी चूंकि ज़्यादा रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है तो इसमें क्या 80 किलो आप नाइट्रोजन लें, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और इसमें 20 से 25 किलो जो है जिंक सल्फेट का आप इस्तेमाल करें सल्फर के रूप में, ताकि इससे क्या होती है कि आपको इसमें जो बीजें बनती हैं उसमें तेल की क्षमता तेल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। जैसे हम जानते हैं किसान भाई उसमें अगर आप अच्छी ये करेंगे तो कम से कम 40 से 42% आपको तेल की रिकवरी उसमें आपको मिलती है। और जब आपकी खेत तैयारी हो जाती है जब आप खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है कि इसमें आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं बुआई के लिए कम से कम इसमें कतार से कतार की दूरी जो है वो आप 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधों की दूरी जो है आप 5 से 10 सेंटीमीटर रखें ताकि आपकी अच्छी फसल जो है उसकी उत्पादन होगी। और ख़ास करके जब आप इसमें जब करते हैं तो इसमें आप जरूर बीजोपचार जरूर कर लें, क्योंकि तो बहुत बीज जनक जो रोग होते हैं या मिट्टी जनक रोग होते हैं तो उससे बचाव के लिए तो उसमें जैसे कि कैप्टन है या थायरम है तो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आपको बीज उपचार अवश्य कर लें, और उसके बाद आप बुआई इसे कर लें। तो बुआई करने के बाद इसमें जैसे कि खरपतवार की भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तो उसमें जैसे कि है कि आप 1 से 2 इसमें खरपतवार निकाली जाती है मानवीय विधि से, और इसमें जैसे कि आप है कि 30 से 60 दिन पे 2 बार आप इसको खरपतवार निकालें और जो बची हुई जो 1/3 जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप खरीफ फसल में छिड़काव कर दें या जब आप फसल निराई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपकी सरसों की खेती जैसे फसल अब आपकी बढ़ रही है तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ उसमें कीट और कुछ व्याधियाँ भी आती हैं किसान भाइयों, तो इसमें क्या होता है कीट के नियंत्रण जिसमें लाही का जो आप देखेंगे अगर आप विलम्ब से बुआई करेंगे तो विलम्ब से बुआई करने में इसकी और आने की जो है वो बढ़ जाती है संभावना, इसलिए एक तो सौ समय करें तो इससे निदान पा सकते हैं। और जैसे लाही का जो प्रकोप होता है उसमें क्या होता है इसके जो शिशु होते हैं और वयस्क होते हैं वो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, इससे क्या होता है उसके प्रतिकूल असर पड़ता है और किसान भाइयों आपकी उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसलिए उसके लिए क्या है कि आप जैसे कॉन्फिडोर है या आप मिथाइल डाइमिथिएट है या रोगोर है तो इसका जो है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप खरीफ फसल पर ससमय छिड़काव करें। और जैसे कि आप इसमें रोग का भी देखेंगे तो रोग में भी जैसे कि है कि रोग में आपका इसमें जैसे पत्रलांछन आता है पत्रलांछन उसमें क्या होता है कि पत्तों पे भूरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जिससे क्या होता है कि उसकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित होती है उपज पे विपरीत असर पड़ता है। तो उसके लिए जैसे क्या है खरीफ फसल पे आप जैसे ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इस पर छिड़काव करें, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो फसल की प्रबंधन अगर अच्छी रहेगी तो आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। और खास कर जब देखेंगे आप इसमें समय अगर इसमें आप समय सब चीज़ कर रहे हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छी मिलती है। और इसमें जैसे आप एक विशेष ख्याल रखें जब आपकी सरसों की फसल जो है आप जब पकने लगती है जब करीब 75% पक जाते हैं तब इसकी कटाई जो है आप प्रारंभ कर लें, नहीं तो क्या होता है कि उसे बीज की जो झड़ने की संभावना है खेतों में बढ़ जाती है ताकि उसमें आपको नुकसान होता है। और फसल कटने के बाद जो है फिर आप इसमें जो है इसको काट के फिर छायादार रखें उसका फिर इसको थ्रेशिंग करके और फिर सुखा के तो इसका भंडारण करें,
इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी अगर तोरी की जो फसल होती है उसमें आपको कम से कम 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिलेगी, और आप राई की खेती से जो आप जो है कम से कम आपको जो है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आपको प्राप्त होती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, खासकर जैसे आपने मैं बताया ये तुरी है या राई है समय इसकी, जैसे तुरी की आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया, फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपने राई की खेती की, तो इसमें खास करके जब आप फसल आपकी नवंबर मंथ में आ जाती है तो इसमें खरीफ फसल में जैसे खरपतवार की समस्या आती है, तो खरपतवार निवारण के लिए एक तो क्या है जैसे आपकी जो धान की पुआल बची हुई है तो इसको भी अगर आप दो कतारों के बीच में आप लगा देते हैं तो एक तो क्या होता है जल संरक्षण होता है, तापमान उपयुक्त रहता है ताकि इसकी बढ़वार अच्छी होती है। तो अगर खरपतवार आ रहे हैं तो उसका आप मानवीय विधि से जो है उसको निराकरण करें, मतलब उसको मानवीय विधि से निकालें, और निकालने के बाद जैसे मैंने बताया कि एक तिहाई जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप अपनी खरीफ फसलों पर छिड़काव करें, और खास करके जैसे आपने अगर अगात बोया हुआ है और उसमें अगर सरसों में अगर फूलें आ रही हों तो उसमें आप सुनिश्चित करें कि खेत में हल्की सिंचाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि अगर खेत में नमी आपकी बनी रहेगी तो उससे क्या होगा आपके दाने बोल्ड बनेंगे और उससे क्या होगा आपकी तेल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसमें लाही का प्रकोप प्रारंभ हो गया है तो उसमें आप तुरंत उसका निराकरण के लिए जैसे मैंने बताया मिथाइल डाइमेथियोएट का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, ताकि इस तरह से और आप मिट्टी में नमी बना के रखें और फसल प्रबंधन में जो खासकर कीट और व्याधि का प्रबंधन करें तो इससे क्या होगी कि आपकी फसल आगे जाके अच्छी आपको उपज देगी। एक कार्यक्रम के समाप्त करके आगे एक बात और बताए कहे कि देखो बहुत किसान भाई बहन मन हैं चिट्ठी भेजा ना कहें ना कि हम देखो फलना दिन कर कार्यक्रम में देखे पाली छूट गया हम कैसे करब, तो किसान भाई बहन मन रौरे मन के परेशानी कर बात नखे, चिंता कर बात नखे, रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर में जाए के देख सकीला और उस जानकारी के पा सकीला है नहीं। तो आज रौरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक नमस्कार जोहार। बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन, कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।